श्रीमद् भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ का आयोजन घोष कंपनी स्थित हट्टी माई मंदिर परिसर में किया जा रहा है। इस आयोजन के संदर्भ में सोमवार को घोष कंपनी स्थित हट्टी माई मंदिर से कलश यात्रा निकाला गया, जिसके संबंध में पंडित संतोष जी महाराज ने बताया कि श्रीमद् भागवत की कलश यात्रा निकाली गई है। उन्होंने बताया कि फल की प्राप्ति गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने से तथा गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने से धर्म की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि कलश यात्रा में हिस्सा बनने वाले तन मन धन से पवित्र होते हैं। कलश यात्रा में शंभुनाथ गुप्ता, रामाश्रय गुप्ता, रामधनी गुप्ता सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पंडित संतोष जी महाराज ने कहा, मेरा नाम शुभनाम पंडित बालगा संतोष जी महाराज। ये श्रीमद् भागवत की कलश यात्रा हो रही है और उसमें हम श्रीमद् भागवत कथा आज से शुभारंभ होने जा रही है, उसकी सब श्रीमद् भागवत जी के साथ में और कलश यात्रा पद यात्रा कर रहे हैं। जिस फल की प्राप्ति हमको गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने से, गोवर्धन की परिक्रमा लगाने से, वृंदावन की परिक्रमा लगाने से जिस फल की हमको प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति आज हमको श्रीमद् भागवत जी के साथ में परिक्रमा लगाने से उसी फल की प्राप्ति हमको हो। क्या उद्देश्य इस यात्रा जी? यात्रा से क्या उद्देश्य है? क्या होता है यात्रा के क्या उद्देश्य है? कलश यात्रा का उद्देश्य है कि हमारा चल करके पदयात्रा के साथ मन तन मन धन ये सब पवित्र होते हैं।